तो आज है 31st नाइट, क्योंकि कल का जो ब्लॉग है वो बहुत मस्त होने वाला है। एक चीज़ है जो अजमेर शरीफ में होता ही है, तो आपको दिखाता हूँ 31st की रात को दरगाह की क्या नज़ारे होते हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज है 31st नाइट, मतलब 31st दिसंबर। तो आज हम लोग का प्लान ये है कि हम लोग कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मार्केट में शॉपिंग करने वाले हैं, और मेन जाएगी हम लोग 31st की रात को अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर। वहाँ पे जो होता है, मतलब दुआ होती है, जियारत करेंगे एक बार और कर लेंगे हम लोग, दुआ होती है, सब जो कवालिया वाली होती है वो सब होती है, बहुत मस्त होती है, मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगा। तो आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस शॉपिंग करेंगे थोड़ा मार्केट में, और मैं तो नहीं करूँगा, घर वाले लोग करेंगे, तो साथ में जाके थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा दूँगा मार्केट का मैं। तो अभी रात को मेन इंपॉर्टेंट वो है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा देखेंगे कि आपको मैं दिखाऊंगा कि 31st रात को अजमेर शरीफ दरगाह में कैसा रहता है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश होता हूँ, नहाना बाकी है मेरे को, मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कपड़ा चेंज करता हूँ, चलते नाश्ते के लिए, देखते क्या करना है, नाश्ता होटल में करना है कि बाहर जाके करने का है। तो चलो पहले फ्रेश होते फिर जाते नाश्ता करने। तो हो चुका हूँ मैं रेडी, ये देखो मेरा कुर्ता ये पहना हूँ मैं, बाल बहुत छोटे छोटे मेरे, सब रेडी है, चलते अभी नीचे चलते, ब्रेकफास्ट करने चलते, और देखते क्या करना है। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि कल का जो ब्लॉग है वो बहुत मस्त होने वाला है, वो आप लोग देखोगे तो इंजॉय होगा पूरा कल का ब्लॉग, इसके लिए हम लोग आज रेस्ट कर रहे। तो आप लोग कमेंट में गैस करो कि नेक्स्ट ब्लॉग किस बारे में होगा और क्या हो सकता है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। तो चलते अभी ब्रेकफास्ट करने चलते नीचे, और देखते क्या आज नाश्ता करते हम लोग। चलो तो आ गए हम लोग बाहर अभी, ये देखो अभी चलते हैं कोई जगह ढूंढते और नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट। तो इधर बैठे हम लोग सब ब्रेकफास्ट करने, ये देखो ये जो दरगाह का गेट नंबर 2 है उसके बाहर ही है ये होटल है। तो आ चुके हम लोग अभी फ़िलहाल नाश्ता करके आए, अच्छा था होटल, हम लोग को अच्छा लगा खाने, बहुत फेमस होटल है, आप लोग को पता ही होगा अजमेर में जो आते, जो बस दरगाह के जस्ट बाजू में 2 नंबर गेट के बाजू में जो डर है होटल है वो आप देखोगे, बड़ा सा मुर्गे की वो लगा हुआ है, मूर्ति जैसा, मूर्ति या कुछ भी आप समझ लो, शो पीस टाइप का मुर्गे का वो लगा है, वो होटल में हम लोग गए थे फिलहाल खाने भी, तो अच्छा टेस्ट था, हम लोग खा के आ गए अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं जोहर की नमाज़ पढ़ने, आज हम लोग पूरा दिन इधर ही रहेंगे, मतलब अजमेर दरगाह के पास ही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं, कल जाने वाले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप अभी तक गैस नहीं किए तो गैस करके मुझे कमेंट में बताओ। तो अभी चलते जोहर की नमाज़ पढ़ के आते, फिर देखते क्या क्या करना है आगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है, सब जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो नमाज़ पढ़ने जा रहे, नमाज़ पढ़ के आते फिर आपसे मिलते। चलो तो अभी हम लोग आ गए नमाज पढ़ के होटल पे, और एक चीज़ है जो अजमेर शरीफ में होता ही है, चप्पल चोरी होती है, तो इस बार जीजू की चप्पल चोरी हुई है, हर बार हम लोग जब आते एक ना एक जन की चोरी होती है चप्पल, तो इस बार जीजू की भी। तो हम लोग नमाज पढ़ के आ चुके थे, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए अलबेक, अजमेर दरगाह में एक अलबेक है जहाँ तक मुझे पता है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, अलबेक खाएंगे आज लंच में, इंजॉय करेंगे, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। चलो अबे लिया ये देखो, डायरेक्ट
तो अभी आज सब लोग करेंगे अलबेक पार्टी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर देने, चलो। और एक चिकन पॉपकॉर्न, दो बिग डैडी बर्गर, बोला था तुमने वो आज की देखो अच्छा नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अलबेक से खा के, अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैवल वाले से बात करने, जो कल हम लोग को जाना है उस बारे में, तो वो बात करते हैं और हम लोग सीधा अभी जाएंगे दरगाह हम लोग। तो मैं आपसे सीधा दरगाह में मिलता हूँ, आपको दिखाता हूँ 31 की रात को दरगाह की क्या नज़ारे होते, चलो। तो निकल चुके हैं हम लोग दरगाह में नए साल के लिए, चलते हैं और दरगाह में अच्छे से ज़ियारत भी करेंगे और दुआ वुआ मांगेंगे। चलो आप लोग, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मेरा
अभी दुआ अदर हो गया है ना, अभी सब देखे आप लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, हम लोग अभी दो रकात नमाज शुक्राना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दुआ मांगेंगे। चलो तो अभी हम लोग सब लोग यहीं बैठे हैं, इधर देखो सब बैठे इधर आराम से। अभी थोड़ा खाली होगा फिर जाएंगे खाने हम लोग, क्योंकि खाए कुछ नहीं, हम लोग लेट खाए थे, इसके लिए लेट खाए थे कि यहाँ से लेट निकल के फिर लेट। आज चाइनीज़ खाना है पार्टी, आज चाइनीज़ खाने का प्लान है हम लोग का अजमेर में। तो अभी यहाँ से निकल के फिर खाने जाएंगे हम लोग। थोड़ा बैठे इधर सुकून से, हम लोग बैठे यहाँ पे आराम कर रहे, अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी बैठ के। तो यहाँ पे थोड़ा देर बैठते फिर निकलते खाना खाने। अभी देखो कितना खाली हो गया सब, मतलब है पर सब दरगाह के पास ही अंदर, तो इसके लिए इधर पूरा खाली है। तभी हम लोग जा रहे हैं खाने, तो खाना खाते और मिलते हैं आपसे सीधा रात को रूम पे व्लॉग एंड करने। तो अभी बज रहे हैं रात के कुछ लगभग दो, ये देखो हम लोग अभी होटल पे जा रहे हैं। और ये दरगाह रोड पे मार्केट लगी है, मार्केट नहीं है मतलब लोग रोड पे सामान बेच रहे, जो सस्ते में बेचते, जो ज़्यादा सस्ते में लोग बेचते, जो रूम में लगते है मतलब शोरूम में ऐसा दुकानों में लगते, उसके मुकाबले लोग सस्ता बेचते। ये देखो तो हम लोग तो है बिग बॉस फैन और मेरा फेवरेट है मुनव्वर फारूकी। आप लोग का कौन है मुझे कमेंट में बताओ अगर आप लोग बिग बॉस देखते हो। हम लोग टाइम पे नहीं देख पाए इस वजह से हम लोग रिपीट टेलीकास्ट देखे, ढाई बज चुका है, ये देखने के बाद हम लोग सोएंगे। तो आ चुके हैं हम लोग अपने रूम पे, होटल के रूम पे। तो सब फ्रेश हो चुके हैं, मैं भी फ्रेश हो चुके हैं, अपना कपड़ा चेंज कर लिया हूँ मैं। और मैं आप लोग को सुबह से बोल रहा था कि कमेंट में गैस करो कल हम लोग कहाँ जाने वाले, लेकिन सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहे। सारा प्लान हम लोग का फेल हो गया, क्योंकि हम लोग का प्लान था हम लोग जाएंगे जयपुर। जयपुर में हम लोग पूरा साइट सीन का प्लानिंग करके रखे थे कि कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या जाएगी, लेकिन अब मुझे प्रॉपर नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो है सारे टैक्सी ड्राइवर जितने भी ड्राइवर है सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए सब लोग, तो सब कैंसिल हो गया। कोई भी ड्राइवर नहीं है, कहीं पे भी नहीं जा पाओगे अभी आप यहाँ से। ये मैं 1st जनवरी की बात कर रहा हूँ, ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड होगा इसके लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ 1st जनवरी की बात है, तब अब ये जब अपलोड होगा हो सकता है तब तक सही हो जाए, लेकिन अभी कोई कहीं नहीं जा सकता है, ना सलवार शरीफ ताड़ा घर पुष्कर कहीं पे भी टैक्सी से तो कहीं नहीं जा सकते। आप जो नॉर्मल ऑटो आती है उससे जा सकते हो, तो वह आसपास ज़्यादा दूर आप उस नॉर्मल ऑटो से जा तो सकते हो नहीं। तो इस वजह से हम लोग का जितना प्लान था सब कैंसिल। अब हम लोग के पास एक दिन और एक्स्ट्रा बच गया, जो हम लोग को दरगाह के पास ही पूरा घूमना है। तो देखते कल के दिन क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्लान है नहीं अभी फिलहाल, जो प्लान था सब कैंसिल, सब फेल हो गया। तो बस ये व्लॉग था, ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताओ। हम लोग दरगाह में बहुत बहुत सुकून मिला हम लोग को दरगाह में, हम लोग गए 31st की रात को, ऐसे ही हर साल होता है, हम लोग बहुत टाइम के बाद गए। तो बस ये था व्लॉग, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ व्लॉग कैसा लगा जयपुर का। आप छोड़ दो अभी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।